एनआर अस्पताल चांदपुर बिलासपुर में आंखों के ऑपरेशन शुरू। बिलासपुर पुलिस ने बिहार के विभिन्न जगहों पर दबिश देकर नेशनल साइबर क्राइम गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बिलासपुर ले आई है। आरोपियों से पुलिस ने 1 लैपटॉप, 9 मोबाइल, 9 सिम कार्ड तथा 1,05,000 रुपए की राशि बरामद की है। आरोपियों ने फेसबुक के माध्यम से 2018 में घुमारवी क्षेत्र में सस्ती सफारी जीप देने के बहाने एक व्यक्ति को 16 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया था। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर साक्षी वर्मा ने बताया कि पुलिस के 11 जवानों की टीम ने 15 दिन तक बिहार की विभिन्न जगहों पर ठहराव कर गिरोह के आरोपियों को पकड़ा है। इसके अलावा संबंधित मामले से जुड़े 3 बैंक खातों में 3 लाख रुपए के कैश को सीज कर लिया गया है। एक फ्रॉड हमारे जिले में हुआ था, घुमारवी थाना में रिपोर्ट हुआ था, जिसमें कि एक गाड़ी का लालच देके एक विक्टिम से 16 लाख के करीब जो है अमाउंट ड्यूप की गई थी, उनसे ली गई थी डिफरेंट अकाउंट्स में। ये केस है 2018 का, लेकिन हम लोगों ने इसको ट्रेस बैक किया था। इससे लिंक्ड जितने भी मोबाइल नंबर्स और उन मोबाइल नंबर से लिंक जितने भी बैंक अकाउंट्स थे उनको हम लोगों ने फाइंड आउट किया, उनका करंट स्टेटस पता किया, करंट लोकेशन पता करी, और इसमें सर्वेलेंस लगी और काफ़ी मेहनत के बाद जो हमारी टीम जीरो इन कर पाई बिहार के कुछ एरियाज़ में, जहाँ पे हमारे करंट सस्पेक्ट्स जो हमें पता लगे वो वहाँ पे रिजाइड कर रहे थे, वहाँ से ऑपरेट कर रहे थे। इसी के कंटिन्यूशन में हमारी एक टीम यहाँ से बिलासपुर से बिहार गई थी, जिसने वहाँ स्टेशन किया अराउंड 10 डेज, और वहाँ से उनको सफलता मिली है। उन्होंने 3 एक्यूज्ड जो है वो वहाँ से ट्रेस किए हैं और उनको अरेस्ट करके यहाँ पर लाए हैं। एक का नाम है जयप्रकाश जो नवादा बिहार के रहने वाले हैं, एक रियांश जो शेखपुरा बिहार के रहने वाले हैं, और आनंद कुमार वो भी नवादा बिहार के रहने वाले हैं। और इस केस में हमें अभी तक 9 मोबाइल हैंडसेट, 9 सिम कार्ड्स, 6 एटीएम कार्ड्स और कैश 1,05,000 उस समय बरामद हुआ। इसके अलावा डिफरेंट बैंक्स को हमने कम्युनिकेशन किया है कि जो सस्पेक्टेड अकाउंट्स हैं उसमें जितने भी पैसे हैं वो सीज किए जाएं ताकि हम विक्टिम की रिकवरी करा सकें। एंड इन कंटिन्यूएशन टू दैट हम लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख और जो है हम लोगों ने ब्लॉक करवाए हैं और उनकी रिकवरी भी हम विक्टिम को करवा पाएंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। अब एनआर अस्पताल में फेको तकनीक से मोतियाबिंद के ऑपरेशन शुरू। इसके अलावा अन्य कई सुविधाएं जैसे बिना इंजेक्शन व चीरफाड़ के किए जाएंगे ऑपरेशन। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रमोद गुलेरिया करेंगे इलाज। 30 नवंबर से अस्पताल में शुरू होगी IOPD। आंखों का होगा कंप्यूटराइज चेकअप। हर शनिवार व रविवार होंगे आंखों के मोतिया के ऑपरेशन। अस्पताल में मोतिया के साथ ही आंखों के अन्य ऑपरेशनों की भी मिलेगी सुविधा। इसके अलावा एनआर अस्पताल में गायनी, मेडिसिन, आर्थो, चाइल्ड सर्जरी व न्यूरो सर्जरी की OPD, IPD, 24 घंटे आपातकाल, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवाएं, सभी मॉड्यूलर सुविधाओं के साथ हाईटेक OT, डिलक्स AC रूम, जनरल वार्ड, उत्कृष्ट नर्सिंग देखभाल, हाईटेक प्रयोगशाला और डिजिटल एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल चांदपुर बिलासपुर के इन नंबरों पर संपर्क करें। 9816142532, 9736514253, 7807161466।